a picture of jesus और चारों सुसमाचार एक अलग-अलग यीशु मसीह के दृश्य को प्रस्तुत करते हैं because for according i mean matthew matthew present jesus as the king और जो मती है वो प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में दिखाता है एंड मार्क प्रेजेंट्स टू अस जीसस एज द सर्वेंट ऑलवेज सर्विंग और मरकुस प्रभु यीशु मसीह को एक दास के रूप में दिखाता है जो हमेशा सेवा कर रहा है लुक प्रेजेंट्स जीसस इन हिज ह्यूमैनिटी और लुका अब अपनी पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह को मानव के रूप में लविंग एंड कंपैशनेट दिखाता है जो प्रेम और दया से भरा and हुआ है जॉन Emphasizes the deity of Jesus. और यहुन्ना, प्रभु यीशु मसीह की के ऊपर जोर लगाता है कि वो कैसे परमेश्वर का पुत्र है सो so इन और इसलिए दूसरे शब्दों में सर्वेंट किंग यीशु मसीह एक दास राजा है एक सेवक राजा एंड जीसस क्राइस्ट आल्सो इज इसलिए यीशु मसीह भी एक मानव परमेश्वर है द बुक ऑफ रेवलेशन ऑन देंड गिव्यू पिक्चर ऑफ जीस लेकिन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक प्रभु येशु मसीह के एक नए दृश्य को हमें देती है बुक शो जो इस प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का पहला भाग है वो सिखाता है over His कैसे प्रभु ये मसीह अपनी कलिसिया को लेकर चिंतित मैज अ पार्ट ऑफ द बुक रिवील और इस पुस्तक का जो मुख्य भाग है वो इस बात को प्रकाशित करता Some है इवेंट ऑफ Of the end time. कुछ घटनाएं जो अंत के समय में होंगीओं के पश्चात ये दिखाई है की कैसे हमारे प्रभु येह का आगमन होगा लॉर्ड ऑफ लॉर्ड और वो विजयी रूप से आ रहा है प्रभुओं का प्रभु और राजाओं के राजा के रूप में बुक ऑफ रेवरेशन इज addressed to the servants of Jesus. और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को परमेश्वर के दास यीशु के दासों के लिए लिखा गया And who are the servants? और वो दास कौन हैं? All the born again believers and followers of Jesus Christ. वो सारे नया जन्म पाए प्रभु यीशु मसीह के अनुयाई चेले और विश्वासी। And the book of Revelation reveals Things Jesus said would begin to take place. और प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में बताया उन वस्तु उन बातों उन घटनाओं के विषय में जिनकी शुरुआत होगी और मेरे मित्रों उन सारी बातों के में से कुछ का अनुभव हम देख कर रहे हैं इस समय जो हमारे इस संसार में हो रही है The focus is on Jesus Christ. और उसका ध्यान और केंद्र प्रभु यीशु मसीह है। Please understand. कृपया करके समझिए। Many people have all kinds of vague ideas about the book of Revelation. कई लोगों के पास अलग-अलग प्रकार के विचार हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को लेकर। horror book. कि वो डरावनी पुस्तक है। Talking all about uh, terror and uh, beast and All kinds of things. कि कैसे ये पुस्तक आतंक पशु और हर प्रकार की गलत बातों के विषय में बात कर रही है But let me you, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को खुले हृदय से पढ़ेंगे यू विल डिस्कवर दैट द फोकस इज ऑन जीसस क्राइस्ट तब आप इस बात को देखेंगे और जानेंगे कि उसका ध्यान और केंद्र प्रभु यीशु है द फोकस इज नॉट ऑन द चर्च और उसका ध्यान कलीसिया नहीं है नॉट ऑन द लॉर्ड ऑफ द चर्च या परमेश कलीसिया के प्रभु की ऊपर ध्यान नहीं नो 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 आई एम सॉरी क्षमा करिए इट इज नॉट ऑन द फोकस इज नॉट ऑन द चर्च उसका ध्यान या केंद्र कलीसिया नहीं बट फोकस इज ऑन द लॉर्ड ऑफ द चर्च लेकिन उसका ध्यान और केंद्र तो है कलीसिया के प्रभु के ऊपर द फोकस इज नॉट ऑन दाई क्राइस्ट और इसलिए उसका ध्यान मसीह विरोधी की ओर नहीं बट द फोकस इज ऑन द क्राइस्ट ऑफ गॉड लेकिन उसका ध्यान तो मसी के ऊपर है जो परमेश्वर से the आया। इज नॉट ऑन द ट्रिबुलेशन और याद रखिए वो ध्यान जो है कलेश की ओर नहीं बट ऑन ट्रायम्फ ऑफ क्राइस्ट ओवर ऑल

के सम्राज की ओर है। so और इसलिए प्रकाशित की ये पुस्तक प्रभु यीशु मसीह का हिज ग्लोरी और इस पुस्तक में यीशु मसीह को उसकी पूरी महिमा के रूप में प्रकट किया गया पावर अपने पूरे सामर्थ्य में एंड इन ऑल हिज ट्रुथ एंड और उसकी पूरी सच्चाई और विजय में The book begins with Jesus Christ. और इस पुस्तक की शुरुआत प्रभु यीशु मसीह से होती है। The triumphant, victorious, resurrected Lord. और वो जो विजय पाया हुआ और वो जो पुनरुत्थान पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह है। Worthy to receive power and riches. जो योग्य है सारे आदर सारे सम समृद्धि को लेने के। And wisdom and strength. और हर ज्ञान और शक्ति को लेने के ऑनर एंड ग्लोरी सारा आदर और महिमा एंड ब्लेसिंग और सारी आशीष वो सिर्फ वही योग्य है द बुक एंड ऑफ न्यू जरूसलम और इस पुस्तक का अंत होता है नए यरूशलेम के आने के द्वारा न्यू हेवन एंड न्यू अर्थ एक नई पृथ्वी और एक नया स्वर्ग एंड जीसस द रूलर ऑफ ऑल दर्थ और यीशु मसीह जो पूरी पृथ्वी का शासक होगा And then in verse four, और चौथे वचन में जॉन सेंड्स इज ग्रीटिंग्स टू द चर्चेस यहुना कलीसियाओं को अपने अभिवादन को लिखता है इस ग्रीटिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द ओल्ड टेस्टमेंट एंड न्यू टेस्टमेंट और उसका अभिवादन दोनों ही बातों का एक जोड़ है जो कि पुराने नियम और नए नियम से आता है ग्रेस इज न्यू टेस्टमेंट और याद रखिए अनुग्रह नया नियम है एंड पीस

बहुत तायत को हम तक लाता है टू हिज फॉलोअर्स अपने अनुयायों को आमेन आमेन एंड दिस These are the focus of the book of revelation, which we will continue in our next meditation. और यही प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का केंद्र है यही सारी बातें जिन्हें हम अपने अग्नि मनन में निरंतर जारी रखेंगे Remember, याद रखिये There are three truths he revealed in verses फोर and फाइव और यहाँ पे तीन ऐसे सत्य हैं, जिसे चौथे और पांचवे वचन प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में फेथफुलटनेस की वो विश्वास योग्य गवाह है जी सब्सक्राइब्स केम टू बे अटनेस और ये शु मसीह आया कि वो गवाह ठहरे एंड टूडे ही कम्युनिकेट द फुलनेस ऑफ डिवाइन लव टू हिज फॉलोवर्स और आज के दिन वो स्वर्गीय प्रेम के

फुलनेस ऑफ डि और इन सारी बातों में आपके पास उस स्वर्गीय प्रेम की परिपूर्णता को आप देखते हैं so और इसलिए परमेश्वर आपसे प्रेम Enjoy रखता है उसके प्रेम का आनंद लें डोंट बी डिस्कर्वी और कभी भी आप प्रोत्साहित ना हो यू क्योंकि परमेश्वर आपके साथ यू वो आपके लिए है He loves you. वो आपसे प्रेम करता है। और ये उसकी इच्छा है कि आप उसकी बहुतायत से प्रतिदिन भरते हुए चले जाए फ्रॉम दिस मेडिटेशन और इससे पहले कि आप इस मनन से आगे बढ़े अपनी आंखों को बंद करें लॉर्ड जी प्रभु ये मसीह नीड द फुलनेस ऑफ

कायलता में और ही के संग बढ़ने विक्टोरियस और हम जयवंत और आपके प्रेम के कारण यू आर एबल टू मिनिस्टर टू आप योग्य हैं कि हमारे हमारे बीच सेवा को करें यीशु के नाम में गॉड यू परमेश्वर आपसे प्रेम गुड डे एक अच्छा दिन आपका बीते परमेश्वर विश्वास योगी Amen.